नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिविल इंजीनियर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्ची इंजीनियर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक G+2 रेसिडेंशियल क्लासिकल बिल्डिंग का एलिवेशन शेयर करने जा रहा हूं, 3D एलिवेशन डिजाइन के साथ, जिसका प्लॉट साइज है 82 फीट × 85 फीट और इसमें जो बिल्टअप एरिया रखा गया है 52 फीट 7 इंच × 40 फीट। दोस्तों, ये प्लान वास्तु शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है और देखेंगे कि किस तरह से इस घर की डिजाइन किया गया है, कैसा इसका इंटीरियर है और पूरा घर बनाने में क्या इसकी कॉस्टिंग आने वाली है। ये इस प्लान की डिटेल्स है, वीडियो को पॉज करके आप देख लें और समझ लें। एक बार पूरे इस घर का बाहर से ओवरव्यू ले लेते हैं। यदि आप सभी अपने घर की प्लानिंग एंड डिजाइनिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पे प्रोसीजर बता दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर इस घर का फ्रंट लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आप सभी इस घर की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करें, वहाँ पे नॉमिनल सर्विस चार्ज पे करके आपको मिल जाए। ये आपका कार पार्किंग एंट्री गेट है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस का डिजाइन हमने किस तरह से किया है, गार्डन, सीटिंग एरिया, सारे चीज का इसमें डिजाइन। यहाँ पे फाउंटेन एरिया है। यहाँ पे झूला वगैरह लगाया गया। दोस्तों, ये आपका पेडेस्टल एंट्री गेट है। दोस्तों, आप इस घर को गांव में बहुत अच्छे से बनवा सकते हैं। सामने में आपका बरामदा है। ग्राउंड फ्लोर की तरफ ये आपका बरामदा एरिया है और इस बरामदा एरिया की साइज आपको मिल जाते हैं 11 फीट 8 इंच × 7 फीट 2 इंच का। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे मेन एंट्री गेट भी है। आप यहाँ पे चेयर वगैरह भी रखकर आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे ही मेन गेट से इंटर किए आप आ गए हॉल में। यहाँ पे आपका हॉल है और इस हॉल की साइज आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 12 फीट 5 इंच × 10 फीट का। सामने में आपका बुद्धा स्टैचू दिखाया गया है। दोस्तों, पूजा रूम ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, फर्स्ट फ्लोर में आप पूजा रूम बनवा सकते हैं। दोस्तों, सामने में आपका लिविंग रूम है और ये जो लिविंग रूम हमने बनाया है डबल हाइटेड के फॉर्म में बनाया है
और इस लिविंग रूम की साइज़ आपको मिल जाएंगे 18 फीट 5 इंच गुने 19 फीट का, काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर में इंटरनल बालकनी भी मिल जाते हैं। सामने में आपका वुडन पैनल का डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे आपका सोफा वगैरह लगाया गया है। सामने में आपका टीवी कंसोल है, आप देख सकते हैं ऊपर में नॉर्मल ही फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की गई है। आप देख पा रहे हैं सामने में आपका कॉमन टॉयलेट है, और कॉमन टॉयलेट के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाते एक बेडरूम। ये आपका कॉमन टॉयलेट है, और इस कॉमन टॉयलेट की साइज आपको मिलती है 6 फीट गुने 9 फीट का, काफ़ी बढ़िया है साइज में। आपको ले चलूंगा बेडरूम नंबर 1 की तरफ। ये आपका बेडरूम नंबर 1 है, और इसकी साइज आपको मिल जाते हैं 12 फीट गुने 14 फीट का। सामने में आप देख सकते हैं वॉल पे वॉल पैनल का डिजाइन किया गया है, ऊपर में पीओपी की फॉल सीलिंग का डिजाइन है। सामने में आपका वार्डरोब रखे गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको ले चल रहा हूँ किचन की तरफ। यहाँ पे हमने ओपन किचन ही बनाया है, और इस ओपन किचन में आप देख पा रहे हैं वॉल यूनिट एंड बेस यूनिट के साथ इस ओपन किचन को डिजाइन किया गया है। इसी किचन में हमने डाइनिंग एरिया को भी एडजस्टमेंट किया है। सामने में जो गेट लगी हुई है वो यूटिलिटी की तरफ जाने वाली है, जो कि आप एंट्री गेट 2 भी बना सकते हैं। सामने में आपका स्टोव है, काफ़ी बढ़िया है। और बाद बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बार यूटिलिटी एरिया की तरफ। यहाँ पे आपका एक यूटिलिटी एरिया है, या फिर आप इसे एंट्री गेट 2 भी बोल सकते हैं। जब भी आपका कोई गेस्ट है अंदर में तो आप इस गेट के थ्रू भी किचन में भी आ सकते हैं। काफ़ी बढ़िया प्लान है, आप इस प्लान को चाहेंगे लेना तो आप हमें व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट करें। यहाँ पर इस बिल्डिंग की कम्प्लीट प्रोजेक्ट PDF डिटेल्स मिल जाएंगे नॉमिनल सर्विस चार्ज पे करने के बाद। अब मैं आपको ले चलूंगा मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आपका मास्टर बेडरूम है, और इसे आप बेडरूम नंबर 2 भी कह सकते हैं। इस बेडरूम की साइज आपको मिलते हैं 11 फीट 9 इंच गुने 13 फीट 11 इंच का। इसमें एक अटैच टॉयलेट भी बनाया गया है, जो कि सामने में आपको दिखेंगे, काफ़ी बढ़िया सा डिजाइन है।
ये आपका अटैच टॉयलेट है और इस अटैच टॉयलेट की साइज आपको मिलते हैं 6 फीट गुणे 9 फीट का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान ऑलमोस्ट सिमिलर है बट डिजाइनिंग में डिफरेंस है। सेकेंड फ्लोर में आपको जिम एरिया भी मिलेंगे। अब मैं आपको ले चलूँगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेयर है। दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। उनकी जैसा रिक्वायरमेंट होती है, उनको फर्स्ट फ्लोर में पूजा रूम चाहिए नहीं चाहिए, तो इस तरह से कस्टमाइज प्लानिंग एंड डिजाइनिंग की जाती है। ये आपका स्टेयर है। स्टेयर की विड्थ अप्रोक्स 3.5 फीट की मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से स्टेयर का डिज़ाइन किया गया। सामने में आपको ममटी में शैंडेलियर का डिज़ाइन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाद बाकी आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं अपने तरफ से चाहता हूँ कि बहुत अच्छा प्लानिंग और डिजाइनिंग करके दूँ। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का हॉल है। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आपको एक इंटरनल बालकनी भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल पैनल का डिजाइन है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का इंटरनल बालकनी एरिया है जो कि आप ग्राउंड फ्लोर के लिविंग एरिया को ऊपर से ही देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया होता है जब आपका घर डबल हाइटेड के फॉर्म में होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये डबल हाइटेड आपके घर को इन्हांस कर देते हैं बहुत अच्छा से। अब मैं आपको ले चलूँगा कॉमन टॉयलेट की तरफ। कॉमन टॉयलेट का साइज नीचे की तरह ही है, 6 फीट गुणे 9 फीट का। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 है और इसकी साइज आपको मिल जाते हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा फर्स्ट फ्लोर का बालकनी एरिया की तरफ। ये आपका फर्स्ट फ्लोर का बालकनी एरिया है और ये एरिया भी काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं बालकनी का डिज़ाइन किस तरह से किया गया है। यहाँ पे शैंडेलियर लगाए गए हैं। दोस्तों अब मैं आपको ले चलूँगा बेडरूम की तरफ। सामने में आपका पैंट्री रूम है और इस पेंट्री रूम को आप पूजा रूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लाइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंट्री रूम ही बनाए गए। इस पेंट्री रूम के साइज मिलते हैं 6 फीट 4 इंच गुणे 10 फीट 7 इंच का। ये आपका बेडरूम नंबर 3 है और इसकी साइज काफ़ी बढ़िया मिलते हैं, 11 फीट 8 इंच गुणे 19 फीट का। दोस्तों इस बेडरूम से एक अटैच बालकनी भी दिया गया है जो कि आपका साउथ साइड में ओपन होते हैं। ये आपका अटैच बालकनी है।
दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 भी लगभग ग्राउंड फ्लोर की तरह ही सिमिलर साइज की है। इसमें सिर्फ एक अटैच बालकनी दिया गया है एक्स्ट्रा, आप देख पा रहे हैं सामने में। यहाँ पे बेड पैनल का डिजाइन है और इस बेडरूम की साइज आपको मिल जाते हैं 11 फीट 9 इंच × 13 फीट 11 इंच का। इसमें अटैच टॉयलेट है जो कि सामने में दिख रहा है, और इस अटैच टॉयलेट की साइज आपको मिल जाते हैं 6 फीट × 9 फीट का। यहाँ से आपको एक बालकनी एरिया मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बालकनी। अब मैं आपको ले चलूँगा सेकेंड फ्लोर की तरफ। सेकेंड फ्लोर में आपको जिम एरिया मिल जाते हैं हॉल की जगह, और 2 बेडरूम मिल जाते हैं, एक कॉमन टॉयलेट भी मिल जाएंगे और एक स्टोर रूम भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया प्लान है, आप देख पा रहे हैं टॉप व्यू ऑफ एक्सटीरियर। यहाँ पे आपको जिम एरिया मिल जाते हैं, आप देख पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकेंड फ्लोर में हमने ओपन टेरेस का भी डिजाइन किया है। दोस्तों सेकेंड फ्लोर में आपको ओपन टेरेस मिल जाते हैं, कॉमन टॉयलेट मिल जाते हैं। ये आपका कॉमन टॉयलेट है और इस टॉयलेट की साइज आपको मिलते हैं 6 फीट × 9 फीट का। सामने में आपका बेडरूम नंबर 1 है और इस बेडरूम की साइज आपको मिलते हैं 12 फीट × 9। ये आपका ओपन टेरेस एरिया है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अंदर का लुक। ये आपका फ्रंट बालकनी एरिया है जो कि ओपन टेरेस की तरह है। यहाँ पे आप झूला वगैरह भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहता है जब अपने घर में ओपन टेरेस का डिजाइन करवाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपका बेडरूम नंबर 2 है सेकेंड फ्लोर का, और इस बेडरूम की साइज आपको मिलते हैं 11 फीट 9 इंच × 13 फीट 11 इंच का। इसमें हमने अटैच टॉयलेट नहीं दिया है, और यहाँ पे हमने सामने में एक स्टोर रूम बनाया है। यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में आपको मिलते हैं एक ओपन टेरेस, यहाँ पे परगोला सीटिंग भी आप कर सकते थे। दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको कमी लगी हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।
मैं उन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करूँगा सुधारने की नेक्स्ट वीडियो में। आपको ओवरऑल यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।